देखो बच्चों, ईबीएस ने एक चैप्टर दिया है क्लास फिफ्थ की बुक्स में, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ, जंगल और उनका जिंदगी कैसी यानी होती है और क्या क्या फायदा है, मनुष्य को क्या फायदा होते हैं फॉरेस्ट से, जंगल से, और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का अक्सर जीवन क्या होता है, जंगल पे ही निर्भर होता है, वहीं से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो किस चीजें से कमाते हैं वो हम बता रहे हैं आपको डिटेल में। देखो समझ के, लगभग जंगल में बच्चों 4,000 वैरायटी ऑफ वुड्स मिलती है, लकड़ियों की 4,000 तरीके की लकड़ी जंगल में मिलती है। कितने तरीके की? 4,000। उसमें मैंने यहाँ पर 4 लकड़ियां की जो ज्यादा इस्तेमाल होती है। टीक, सागौन की लकड़ी, ये घरों में घर जो बनते हैं उसमें चौखटे वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है, दीवार बनाने में इस्तेमाल की जाती है। रोजवुड, शीशम, अब तो शीशम ढूंढने नहीं मिलता और ये शीशम की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, कभी यानी खराब नहीं होती है। देवदार, देवदार की लकड़ी होती है, सिदर होती है, जिसे ये भी जंगल में मिलती है। पाइन, चीड़ की लकड़ी मिलती है, ये भी यानी बाहर मिलती है जंगल में। तो 4,000 वैरायटी में से मैंने कितनी लिए यहाँ पर? 4। तो ये सब जंगल से मिली और बड़ा महंगी बिक रही है इस समय, ये नहीं है सस्ती है, ये बहुत महंगी बिकती है। अब देखो, इंसान फॉरेस्ट से भी ले गया ह्यूमन लाइफ, जिंदगी चल रही है उससे, फॉरेस्ट से ये चीजें ले गया। अब इसकी क्या है यहाँ पर दिया है, यूज ऑफ वुड, लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये लकड़ी यहाँ से मिल गई, कहाँ से? जंगल से। कहाँ से मिली? फॉरेस्ट से। जंगल से लकड़ी मिल गई इंसान के लिए, ये अब इस्तेमाल करने लगा, कहाँ का इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री चलती है। देखो, 1 प्लाईवुड फैक्ट्री में, 2 वुड वर्क इंडस्ट्री में, 3 टिम्बर इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में जाती है लकड़ी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाती है, वहां पर जाके प्लाई बोर्ड बनने हैं, तुम्हारे दीवारें बनने हैं, बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें बन रही हैं, ये सब फैक्ट्री में मिलती है। प्लाई बोर्ड होते हैं जो, वो सब वहां बनते हैं, बनते पाएंगे लकड़ी के बनते हैं, और किसी किसी चीज बनते हैं लकड़ी के बनते हैं। तो ये हो गया लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग इस्तेमाल फैक्ट्रियों में। अब एक लकड़ी जंगल में और पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बंबू ट्री, बांस की लकड़ी, इसकी कहते हैं बांस, बेकार लकड़ी है, बेकार नहीं होती है, बांस इसकी लकड़ी होती है, इसका पेड़ होता है वहां पर। इस पेड़ से जो पहाड़ पर लोग रहने वाले हैं, वहां के ह्यूमन बीइंग है, वो बनाते हैं मैट्स और इनको बेचते हैं मार्केट, बास्केट टोकरियां भरिया डेकोरेट बनाते हैं और बेचते हैं। हैंड फैन, हाथ के पंखे बनाते हैं और इसे बेचते हैं। फ्लूट, बांसुरी, फ्लूट माने बांसुरियां बनाते हैं, ये बांस की ही बनती है। ये सारी चीजें उनके कमाने का जरिया है, उनकी रोजी रोटी का जरिया है। जैसे तुम लोग धान गेहूं उगाते हो जमीन पर, उसे बेचते हो, फिर यानी खाते हैं हम लोग, है उसका यानी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये जब बेचते हैं तो इनको ये पैसा आता है, तो ये अपने खर्चा करते हैं। उसके बाद बहुत से पेड़ों से ही हमारे लिए, जंगल में ट्री से ही हमें क्या मिलना है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चा माल मिलता है, जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मैच स्टे, माचिस की तीलियां, कैचू, कत्था, लकड़ी होती है कत्था में, कत्था की सिल्क, जो सिल्क के कपड़े बनते हैं, फूल के बनते हैं, उसमें यानी मिलाते हैं सिल्क के, वहाँ ये भी यही कच्चा माल मिलता है, वहाँ पर इसको सही किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रबर जो होता है, रबर का पेड़ होता है। लाख, जो भी यानी किसी को सील करना है तो इसी लाख से होता है, ये भी कच्चा मिलता है वहाँ पर। बीड़ी, बीड़ी का पत्ता, जो बीड़ी पीते हैं वो वाली यही होती है। लीफलेट, पत्तले जो बनाते हैं पत्तल की, वो भी यही मिलती है, हाँ पेड़ पर मिलती है जंगल में। मेडिसिन, दवाइयाँ बहुत सी मिलती हैं, बहुत सी दवाइयाँ जंगल से ही मिलती हैं। तो
पेड़ का कितना महत्व है, फॉरेस्ट का कितना महत्व है, आप समझ चुके होंगे। ये पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं जिससे कि फायदा हो। थैंक यू भाई।